सन 1944, सारी दुनिया जंग के जुनून में है। हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम है, जहां इस वक्त आजादी की आग आसमान छू रही है। हिंदुस्तानी फौज से हमदर्दी करने वालों के लिए दिनों में खौफ बना रहना तो खास करो हिंदुस्तानी फौजियों आमिर खान प्रोडक्शन AKP ने अपने हालिया पोस्ट के जरिए सनी देओल के साथ सहयोग को लेकर चल रही अटकलों पर आधिकारिक रूप से विराम लगा दिया है। प्रोडक्शन हाउस ने सनी देओल की अगली फिल्म लाहौर 1947 का निर्माण करने की अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी है, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी करने वाले हैं। आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लंबे समय से चल रही अफवाहों की पुष्टि कर दी है। प्रोडक्शन हाउस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आमिर खान सनी देओल की अगली फिल्म लाहौर 1947 का निर्माण करेंगे। घोषणा में आमिर खान ने परियोजना के बारे में अपना उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, मैं और AKP की पूरी टीम हमारी अगली फिल्म की घोषणा करते हुए बहुत उत्साहित और खुश है, जिसमें सनी देओल मुख्य भूमिका में है और फिल्म का नाम लाहौर 1947 है। पोस्ट में आगे लिखा है, हम बेहद प्रतिभाशाली सनी और पसंदीदा निर्देशक राजकुमार संतोषी के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक हैं। हमने जो यात्रा शुरू की है वो सबसे स्मृत होने का वादा करती है। इस सहयोग में एक दिलचस्प मोड़ राजकुमार संतोषी, सनी देओल और आमिर खान के बीच का इतिहास है। दिलचस्प बात यह है कि संतोषी ने अपने निर्देशन की शुरुआत सनी देओल की 1990 की फिल्म घायल से की थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफल रही। बाद में इस जोड़ी ने दो और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिनमें दामनी और घातक शामिल हैं। राजकुमार संतोषी ने आमिर खान के साथ बेहद हिट फिल्म अंदाज अपना अपना भी दी है। ये फिल्म, जिसमें सलमान खान भी मुख्य भूमिका में थे, एक कल्ट क्लासिक बन गई। सनी की पिछली रिलीज गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफल रही। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़े। बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद फिल्म ने शाहरुख खान की पठान को शीर्ष स्थान से हटा दिया, क्योंकि इसने अपने 7वें सप्ताह में 524 करोड़ रुपये कमाए। ये फिल्म पठान से कुछ ही करोड़ आगे है, जिसने हिंदी भाषी बाजार में 524 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।